Nissan GTRS 1500 BHP, all wheel drive, fastest in India. हाँ. अभी तक की सबसे fastest है. भाई क्या है? Ferrari आ रही है. Ferrari खा गई. सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. और भाई आज आ गए हैं, बीएसई सैटरडे है, मज़ा आ गया. लेकिन यहाँ क्यों आए हैं? बाइक के इवेंट के लिए नहीं आए हैं, गाड़ियों में आ गए. क्योंकि अब हम गाड़ी बिल्ड कर रहे हैं ना, तो ऐसे इवेंटों में हमें आना पड़ता है. तो देखो DBX यहाँ पे, अपनी X5 बाइक वाइक सब आ चुकी है. चलो चलो चले सर, बाकी का व्लॉग एक बार ही अंदर डिस्प्ले कर लें, फिर आपको सब बताता हूँ यहाँ क्यों आए हैं. तो भाई जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था, BIC आने का मतलब कि ये है पर्पस हमारा यहाँ पे आने का, ये है कि भाई यहाँ पे हो रहा है लॉन्च कंट्रोल का एक इवेंट, ड्रिफ्ट शो, ड्रैग रेसिंग, स्पोर्ट्स का शो ऑफ गाड़ियाँ, टॉप नॉच. और मैं यहाँ किस लिए आया, क्योंकि अपने टायर आ चुके हैं US से. अभी तक इंडिया के सबसे बड़े टायर वही हैं, तो मैं आप लोगों को वो टायर भी दिखाऊंगा, वो इतना यूज क्यों है. और ऊपर से अपने करण भाई भी आ गए हैं, सचिन भैया भी आ गए हैं. कैसे हैं? स्टीयर टायर से आज यहाँ फुल ब्रांडिंग होने वाली है, है? और इधर प्रो मार्क तो अपना चल ही रहा है. स्टीयर भी, स्टीयर ही हमारा भाई. अच्छा हाँ भैया, स्टीयर प्रो मार्क सब अपने ही, सब अपने ही है. तो यहाँ पे पूरा लाइनअप आ गया अपना, कोई टेंशन नहीं है. उसको देख लो क्या हो गया सर, व्हील्स बना रहा हूँ यार. वो BM E90 जल्दी जल्दी कहाँ, और E90 स्वैप. तो यहाँ पे काफी मजा आने वाला है. फिलहाल तो हम अपनी डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे पिट के आगे. तो एक बार ही गाड़ियाँ वाड़ियाँ अंदर लगा लेते हैं, फिर डिस्प्ले करते हैं ना आराम से. जैसे कि आप लोगों को सामने दिख रहा है ना, लॉन्च कंट्रोल 6.0 प्रोडक्ट. जेंजी बनो, जेंजी है ब्रदर, जेंजी है. तो यहाँ पे अपना लॉन्च कंट्रोल इवेंट शुरू होने वाला है. मतलब अभी तो सेटअप वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये अपनी यहाँ पे डिस्प्ले है. तो एक बारी डिस्प्ले वगैरह सेटअप कर लें, फिर उसके बाद कुछ खा लें, फिर इवेंट स्टार्ट होगा, फिर आएगा आप लोगों को मजा. यहाँ पे हो गया अपना सेटअप रेडी, ये देख सकते हो प्रॉपर अलॉयज टायर सब यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं, गाड़ियाँ डिस्प्ले कर दी हैं. और बाकी भी जो है पिट, यहाँ पे एस्टन मार्टिन भी आज डिस्प्ले हो रही है, अभी वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ. लेकिन सबसे पहले मैं अपने टायर आप लोगों को दिखाता हूँ. तो भाई देखो, सो दिस इज फ्यूरी टायर का, एक बारी साइज देख लो, ये सर्च कर लो, इंडिया में कहीं मिलता हो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक दो, ठीक है? अगर कहीं मिलता हो तो, या किसी डीलर पे हो तो भी बता देना, ठीक है? तो ये मेरी सुजुकी के टायर हैं, फाइनली US से आ चुके हैं, जिसका मैं वेट कर रहा था. ब्रॉडनेस देख लो, साइज देख लो, साइज बता देना कहीं पर मिलता हो तो. वैसे कहीं नहीं मिल सकता, ये भी मैं आपको बता दूँ. और भाई इवेंट बस अभी अपना स्टार्ट होने वाला है, गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे. सबसे पहली गाड़ी आप लोगों को, मतलब जो गाड़ियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ ना भाई, ये हैं सारी ट्यून्ड. दिस इज़ फरारी, यहाँ पे आ चुकी है फरारी, और दो गाड़ियाँ अभी और थी वो भी चली गई. और दूसरी यहाँ पे M2 प्रॉपर ड्रिफ्ट कार, आपको बता देता हूँ. ये देखो कैम्बर फुल अंदर की तरफ है, ताकि ड्रिफ्ट के लिए काफ़ी ईजी हो जाती है, प्रॉपर बिल्ट है ड्रिफ्ट के लिए. बैक सीट्स हटा रखी हैं, ट्यून्ड है बहुत ज़्यादा. और दूसरी बात, ये रही निसान GTR. सो दिस GTR इज 1500 ऑस पर, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, ट्विन टर्बो के साथ मज़ा आ गया, बिल्ट प्रॉपर. निसान GTR इज 1500 BHP, ऑल व्हील ड्राइव, फास्टेस्ट इन इंडिया. हाँ अभी तक की सबसे फास्टेस्ट है. तो अभी ये ड्रैग करेगी तो पता लग जाएगा कितने सेकेंड्स में क्वार्टर माइल मार रही है. और प्रॉपर बिल्ट हुई हुई है अंदर से, मैं दिखा देता हूँ एक बारी. ये देखो प्रॉपर बिल्ट है ट्विन टर्बो के साथ, एंड दिस इज 3.6 लीटर. मज़ा आ जाएगा, इनसेन यार. मतलब बाइक एक अलग क्रेज था, लेकिन अब जब गाड़ियों में घुस गया ना, तो गाड़ियों के क्रेज को ज़्यादा ही अलग है, नेक्स्ट लेवल वाला. तो अभी तक की इंडिया की फास्टेस्ट है ये, और बाइक से ऊपर कुछ नहीं है. बहुत ह्यूज है ये, ह्यूज ब्रॉड पता कितनी है. मतलब आप इसके मफलर्स देख लो पीछे से, एग्जॉस्ट बहुत बड़े एग्जॉस्ट हैं यार,
1500 कनब भी यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, गलत ही VHP। दूसरी M2 ये ड्रिफ्ट कार है, और 3 लीटर ये भी मैं कल 600 या 700 पर बना रही है। बाकी फरारी जो है वो स्टॉक है, और बाकी चीज़ें आगे हैं तो आपको एस्टन मार्टिन DB12 भी दिखाता हूँ, रेयरेस्ट है। सो दिस इज एस्टन मार्टिन DB12, 7 करोड़ 7 करोड़ कुछ ऐसे दिखते हैं। पेंट नेक्स्ट लेवल पेंट, एंड दिस इज ओनली फॉर डिस्प्ले, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, मज़ा आ गया DB12 का, मतलब प्लॉट बेचना पड़ जाएगा। बाकी अभी इवेंट स्टार्ट हो रहा है अपना भी उधर, मतलब धीरे धीरे लोग अंदर आ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ ये रही भाई साहब, पता ही लग रहा कहाँ से जा रही है गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, सब ने एग्जॉस्ट लगा, हाँ पता ही लग रही। तो भाई यहाँ पे पोर्शे खड़ी है, रेंज रोवर SVR, और पीछे BM, मतलब BMW तो बहुत सारी है यहाँ पे, मतलब एक से एक BM है यहाँ पे। तो SVR पोर्शे देख रहे हो, ये देखो धीरे धीरे ट्रैक के लिए जा रही है, और यहाँ भी ट्रैक अभी लगने वाली है 1/4 माइल की। तो एक बार ही देखते हैं किसका टाइमिंग बढ़िया आता है, यहाँ पे स्क्रीन पे टाइमिंग आ जाएगी बढ़िया। लो जी भाई, BM खा गई मर्सिडीज को, BM खा गई पोर्शे, खा गई पोर्शे। 340i गलत चीज है भैया, BM का इतना क्रेज इंडिया में बढ़ चुका है। M340i एक अलग ही मशीन है भाई, ये बात तो है भाई, मजा आ गया। लेकिन हां थोड़ा बाइकों जैसा सेशन नहीं है, लेकिन हां गाड़ियों के लिए ड्रैग बेस्ट है, GTI है ना, एंड क्वात्रो, क्वात्रो फ्रंट व्हील नहीं है, ऑल व्हील है। अच्छा हां, दैट इज गोल्फ नॉट पोलो, दिस इज गोल्फ ना, इंपोर्ट। तो भाई वो गोल्फ है, बहुत रेयर है, इम्पोर्ट करी हुई है, तभी मैं कहूँ मेगा BM के साथ खा रही है भाई। चलो जी पेचा लग गया, खा गई भाई। गाड़ी है ये, पोर्स को तक पीछे छोड़ दी भाई साहब, खा गई यार, सीक्वेंशियल टर्बो 3 लीटर 6 सिलेंडर, खा गई गाड़ी। गाड़ी है ये चीज, लेकिन भाई पोर्शे का भी मजा आया देख के। तो उधर है गोल्फ, गोल्फ GT रेयर है काफी, मैंने भी पहली बार ही देखी है भाई गोल्फ, तो GTI रेंज रोवर SVR की, पोर्शे वर्सेस SVR, लाइनअप देख लो एक बार, गाड़ियां ही गाड़ियां भाई साहब, गाड़ियां ही गाड़ियां, आप अपनी भी लगाओ, बहुत लाउड है, फिर आगे लो भाई मस्टैंग भी जा रही है। चलो जी भाई खा गई, BM तो खा रही है भाई फुल, गाड़ियां निकल रही हैं आगे, फरारी चलानी नहीं आती, इतना गैप नहीं दे सकती M340i, इतना नहीं भाई, और Q7 इतना गैप नहीं हो सकता। देख लो भाई खा गई, फास्टेस्ट हैचबैक है, किस दिन हम यहाँ चलाएंगे प्लॉट, जिस दिन बेच के, जिस दिन हमने एक प्लॉट बेचा अपना टूर में, एक एक प्लॉट बेचेंगे फिर काम करेंगे। स्टार्ट, ये फरारी आ रही है, फरारी खा गई, हॉर्स पावर जा रहे हैं भाई, ये
ये जो GTR है ना भाई, ये 1500 हॉर्स पावर बना रही है। इसका तो देखना बनता भाई, ये कैसे खाती है लोगों को, ये तो देखनी है एक बारी। तो भाई अभी ना निशान GTR का ड्राइव हो रहा है, 1500 हॉर्स पावर है और 1500 ही टॉर्क है। देखते हैं भाई क्या बवाल चीज है वो। तो भाई बहुत हाई बनी हुई है यहाँ पे प्रॉपर। तो एक बार अब गाड़ियां भर चुकी हैं यहाँ पे हैं। ये जा रहा है। हार गई। मतलब माहौल अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है, क्योंकि बज गए हैं एक, हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो माहौल गर्म हो रहा है। गाड़ियों का लाइनअप सेटअप देखो, जबरदस्त गाड़ी है भाई यहाँ पे, ये देख लो। Golf GTI, fastest hatchback, AMG। देखो भाई गाड़ियां ही गाड़ियां निकल रही हैं भाई। RS6 वैगन वाली, RS8, Porsche, Ferrari, बोगड़ी GTR, इटालिया, वहाँ McLaren भी है, बहुत गाड़ियां भाई। यहाँ पे गाड़ियों को हवा लगाई जा रही है क्योंकि गाड़ियाँ गर्म हो रही हैं, तो जैसे हम बाइक ठंडी नहीं करते फैन लगाते हैं, वैसे ही गाड़ियों को भी ठंडी कर रहे हैं। फैन लगा हुआ है यहाँ पे, देखो इसको भी फैन लगा हुआ है, पीछे से उसका बोनट खोला हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, तो जैसा ट्रैक का सेशन है वैसे इसका सेशन है भाई, तो ये चीज़ें गलत। बाकी मज़ा तो आ रहा है, लेकिन हाँ बाइक का जो सेशन चलता है ना उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। ये है बस सीधा ड्रैग करी वापस आके। बस ये बाहर ड्रिफ्टिंग चल रही है, तो पहले थोड़ा सा ये देख के फिर बाहर चलते हैं, ड्रिफ्टिंग शो देखने मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ड्रैग तो मैं भी देखना चाहूँगा। है McLaren, ये लद्दाख कर चुकी है, ये लद्दाख कर चुकी है, और ये घर में छुपा के रखी PSO के साथ। वो होता है असली पैसा जो लोग करते हैं वो होते हैं, जो ली है तो रगड़ो। ओ हो हो भाई निकाल ली उसने भाई, ये तीनों की ट्रैक तो देखनी बनती है। पॉप्स एंड बैंग्स ब्रदर, पॉप्स एंड बैंग्स, ये तीनों की ड्रैग देखनी तो बनती है यार। 1500 हॉर्स पावर, 1500 न्यूटन मीटर का टॉर्क भाई, साउंड बैरियर तोड़ती है कहते हैं भाई। मैं भी देखना चाहूँगा, GTR इज इनसेन यार, कसम से वेरी इनसेन, साउंड बैरियर तोड़ती है भाई, इसकी तो रेस देखनी बनती है। बारी फिर सेशन शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो अब गाड़ियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि बंदे अब सारे यहाँ पे आ गए हैं, तो भाई सेशन अब चलेगा दबा के बैड ड्रैग रेस। तो भाई सबसे कॉमन जो यहाँ पे आ रहा है, ओहो, जाम देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक के लिए जाम लगा हुआ है इतना बड़ा, और वो सबसे पीछे खड़ी हुरागन, उसका तो मैं जरूर देखूंगा। ये देख लो भाई। अब आ चुके हैं ड्रिफ्ट ट्रैक पे, और यहाँ पे हो रही है ड्रिफ्टे, तो भाई अब चेक करेंगे ड्रिफ्टे, टायर फट रहे हैं, बर्नआउट हो रही है, गाड़ियाँ स्किड खा रही हैं, हाल देख लो रोडों का भाई, गलत ही Ferrari 488 GTB। अब ये भी जाने वाली है।
मारेगी यहाँ पे ड्रिफ्टे, फोर व्हील्स है बट हाँ ड्रिफ्टे चलेंगी पूरी। जी भी लेके निकले, कह रहे ड्रिफ्ट मारूंगा। तो भाई इधर ड्रिफ्ट शो चल रहा था और पता लगा कि अश्विन की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। भाई हमने यार डिफेंडर में तो डला के लाए, ये ट्रैक पे खड़ी थी, हमें याद ही नहीं रहा। तो इसमें भी कुछ डलवाना था, ऐसा याद ही नहीं रहा।
तो भाई इसकी BMW के लिए आ गया पेट्रोल और अब इसमें डाल के फिर चलेगी ड्रिफ्ट। ये देखो आधी मत हो गई हो, लग गया इसको कसका भाई, रेस में इनका लग गया लौंडे का, इसका मुबारक है भाई। ये वेंट्स लेफ्ट राइट करने के लिए बीच का टूट गया ना ड्रिफ्टिंग करते हुए। भाई पीछे सीट हटा दी, यस, वेट कम करने के लिए और आगे भी अंडू को ना बिठाने के लिए। तो मैं लेट जाता हूँ। अरे यार क्या बोल रहे हैं, अंडू को अंडू साथ अब करने वाले हैं ड्रिफ्ट E90 में। चलो जान निकलने वाली है भाई। बढ़िया टायर। अच्छा लो जी टायर ही फट गया, हार गया टायर गया। एक स्पिन का था बस। यहाँ पे ऐसे टायर फट गया, टायर नहीं फटा भाई, टायर नहीं फटा। एक बारी और सेशन शुरू। इस बार कंफर्म टायर गया। यस, टायर खत्म कर दिया भाई हमने। इस बार गया पक्का गया इस बार। अच्छा, हाँ हाँ। आज का दिन बहुत अच्छा निकला भाई के साथ ड्रिफ्ट में, मजा आ गया इसकी E90 में, है ना। मेरे साथ नहीं बैठा वो, तू अभी कल बिठाने में। हाँ कल तो मैं इसके साथ बैठूंगा, लेकिन अब चल रहे हैं होटल और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खाया कुछ नहीं है, बस गाड़ियाँ फेल रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब चल रहे हैं होटल और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और भाई सब्सक्राइब करो और दोनों को फॉलो करो, दोनों को ही सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चिल्ड्रन बाय बाय।